तो हेलो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई करने वाले हैं कुछ खतरनाक से टिकटॉक हैक्स, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और हाँ गाइस, आपने आज तक ऐसे टिकटॉक हैक्स कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले टिकटॉक हैक्स की ओर। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर हमारे पहले टिकटॉक हैक्स के लिए सारा सामान ले लिया है। तो गाइस, आपको एक चाहिए लीवर, और एक चाहिए आपको यहाँ पर लेबर चाहिए, और एक चाहिए आपको यहाँ पर कमेंट ब्लॉक, और एक कोई भी ब्लॉक चलेगा, और एक चाहिए आपको वाटर बकेट। तो गाइस, कमेंट ब्लॉक कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता है। तो कमेंट ब्लॉक लेने के लिए आपको बस ये बस चैट सेक्शन खोलना है, और उसमें आपको सर्च करना है स्लैश, तो ये रहा स्लैश, और फिर आपको लिखना है गिव, और एट द रेट पी, पी का मतलब प्लेयर, और फिर लिखना है कमेंट, कमेंट अंडरस्कोर ब्लॉक। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखते ही आपको प्लस आइकन दबाना है, और आपके हाथ में मिल जाएगा कमेंट ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर मेरे पास दो कमेंट ब्लॉक हो चुके हैं। तो पहले मेरे पास एक ही था, और अभी एक और मुझे मिल चुका है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कमेंट ब्लॉक लेना है। तो गाइस, अभी हम ट्राई करते हैं हमारा टिकटॉक एक्स। तो गाइस, यहाँ पर टिकटॉक एक्स ट्राई करने के लिए आपको यहाँ पर पहले एक कुछ भी पुल टाइप बना देता हूँ। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, मैं ऐसे टेम्प्रेरी बना रहा हूँ अच्छा दिखे इसीलिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक स्विमिंग पूल टाइप बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस ब्लॉक की मदद से ऐसे एक बॉक्स बना देता हूँ, और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर स्विमिंग पूल। और यहाँ पर नीचे टिक करने के बाद हमारा स्विमिंग पूल बनके रेडी हो जाता है। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर स्विमिंग पूल बना लिया, और अभी हम यहाँ पर इसके अंदर जल्दी से डाल देते हैं वाटर बकेट से पानी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पानी डाल देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर पूरे स्विमिंग पूल में पानी डाल दिया, आप देख पा रहे हो। और अभी हमारा स्विमिंग पूल एकदम बनके रेडी हो चुका है। तो गाइस, अभी हम बनाने वाले हैं हमारा मेन हैक। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोई भी ब्लॉक ले लेना है, और फिर उससे आपको यहाँ पर एक हाइट तक पिलर जैसा बनाना है, क्योंकि ये हवा में होने वाला है, तो यहाँ पर इतना हाइट बहुत रहेगा। तो गाइस, तो यहाँ पर मैंने इतनी हाइट तक बढ़ा दिया, और यहाँ पर दो ब्लॉक और लगा देता हूँ। और फिर अभी आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो एक ब्लॉक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, मतलब तीन ब्लॉक का बनाना है। और फिर यहाँ पर आपको साइड में भी ब्लॉक लगाना है, और फिर इसको साइड से कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैं तीनों साइड से यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो गाइस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको लेना है कमेंट ब्लॉक, और इस कमेंट ब्लॉक को यहाँ पर लास्ट में प्लेस कर देना है। और फिर गाइस, आपको कमेंट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर टाइप करना है स्लैश, स्लैश के बाद आपको टाइप करना है सुमोन, सुमोन TNT। तो यहाँ पर सुमोन TNT टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इसको रखना है रिपीट, और यहाँ पर इसको रख देना है अनकंडीशनल, और यहाँ पर इसको नीट रेडस्टोन ही रहने देना है। और गाइस, इतना करने के बाद बस आपको यहाँ पर सिंपली ब्लैक आ जाना है। और आप देख पा रहे हो अभी हमारा कमेंट लग चुका है, और यहाँ पर मैं अभी जैसे ही बैक आता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आप देख पा रहे हो हमारा कमेंट ब्लॉक पर्पल हो चुका है, इसका मतलब हमारा कमेंट सेट हो चुका है। और गाइस, अभी आपको यहाँ पर इसके ऊपर पानी डालना है वाटर बकेट से, उससे पहले मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये छोटा है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और अभी यहाँ पर मैं वाटर बकेट लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर डालता हूँ पानी। और यहाँ पर अभी मुझे लगाना है लीवर, और मैं अभी इसको एक्टिवेट। और गाइस, अभी देखो कैसे TNT नीचे जा रहे हैं। और गाइस, अभी यहाँ पर देखो गाइस, पूरी तबाही हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल सब कुछ चला गया, आप देख पा रहे हो। लेकिन गाइस, आपने कमेंट ब्लॉक को कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल तो पूरा ख़त्म ही हो चुका, मतलब आधा है बचा है। तो गाइस, हमारा कमेंट ब्लॉक तो आप देख पा रहे हो अभी तक हवा में लटक रहा है। तो गाइस, मुझे लगता है ये नॉर्मल ब्लॉक तो TNT के आगे नहीं टिक पाएंगे। तो गाइस, अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसको पूरा बेडरॉक का बना दूँ। तो गाइस, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर बेडरॉक। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करता हूँ बेडरॉक, और यहाँ पर आ चुका है बेडरॉक। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट से लेता हूँ, और पहले हमारे स्विमिंग पूल को ही बेडरॉक का बना देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं फटाफट से पूरे में बेडरॉक लगा देता हूँ, और मुझे लगता है इस बार शायद से काम करना चाहिए, क्योंकि इस बार तो एक ही शॉट में पूरा ख़त्म हो गया। तो चलिए गाइस, अभी मैं यहाँ पर इसको पूरा बेडरॉक का बना देता हूँ, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेडरॉक का बना दिया। और गाइस, अभी मैं यहाँ पर डालने वाला वाटर बकेट से पानी, और फिर देखना गाइस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पानी पूरा नीचे तक जा रहा है। नहीं नहीं गाइस, तो ये आप देख पा रहे हैं स्विमिंग पूल से बाहर जा रहा है, तो मुझे इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ। तो ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर शायद से ठीक है, और अभी हमारे सारे TNT स्विमिंग पूल के अंदर ही जाने वाला है। तो गाइस, अभी यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको एक्टिवेट। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लेता हूँ लीवर, और इसको यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ, और इसको कहता हूँ मैं एक्टिवेट। और गाइस, आप देखो TNT कैसे नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरे स्विमिंग पूल, और ये देखो गाइस, पूरी तबाही मच चुकी है। और तो गाइस, इस बार हमारी ट्रिक काम करी, आप देख पा रहे हो।
पिछली बार तो एक ही राउंड में पूरा मतलब स्ट्रक्चर ही कायम हो चुका था, लेकिन इस बार तो हमने बेड रॉक का बनाया था, आप देख पा रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उल्टा पूरा देखो गाइस पूरा एरिया इसने ब्लास्ट कर दिया पूरा ऐसे रेल की तरह। तो भाई यार ये तो एकदम खतरनाक ही है क्या, आप देख पा रहे हो TNT एकदम कैसे लाइन से नीचे जा रहे और पूरा स्पिनर की तरह एकदम गोल गोल मतलब ब्लास्ट हो रहे, आप देखो कैसे फैल रहे पूरे यहाँ। और भाई मैंने उस तरफ तो देखा ही नहीं, आप देखो कैसे कितना दूर जा रहे TNT पूरा ऐसे सर्कल गया और वहाँ पर देखो भाई कितना दूर दूर जाकर गिर रहा है, और यहाँ पर ऐसे ये 10 मिनट चलता रहा तो पूरा यहाँ पर ये ख़त्म ही कर देगा। तो गाइस इससे पहले यहाँ पर ये पूरा टेस्ट टेस्ट कर दे उससे पहले मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी इसको बंद कैसे करूँ, ऑलराइट गाइस तो अभी यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके इसको बंद कर दिया। और गाइस यहाँ पर आप नज़र डालो तो यहाँ पर वहाँ से लेकर और इस नेदर पोर्टल तक पूरा इसने ख़त्म कर दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और थोड़ी देर ये चलता रहता तो पूरा गड्ढा कर देता। अभी भी आप देख पा रहे हो कितना दूर तक, और उस तरफ देखो गाइस भाई भाई यहाँ पर तो यहाँ तक सीधा वो यहाँ तक नहीं गाइस तो यहाँ पर और भी आ गए, और कुछ TNT तो यहाँ पर भी आए, मतलब ज़्यादा TNT यहाँ तक ही आया है इस तक। और यहाँ पर XP देखो गाइस कितनी मिल रही है। तो गाइस अभी तो आपको ये वीडियो पक्का अच्छी लगी होगी, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को पे लाइक ठोक दो, और चले गाइस इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले TikTok एक्स की ओर। तो गाइस हमारा अगला एक ट्राई करने वाला है हम यहाँ पर, और गाइस उसके लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने सारा सामान ले लिया है, और गाइस उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, और स्टीयर, रेडस्टोन, ऑब्जर्वर, डिस्पेंसर, एरो और फायर चार्ज और स्टिकी पिस्टन एंड हाँ लिवर, तो बस आपको इतना ही चाहिए। और फिर आपको यहाँ पर ऐसे 3 ब्लॉक डिक करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको ऐसे 3 ब्लॉक डिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर बीच में लगाना है रेडस्टोन। तो गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है स्टिकी पिस्टन, और स्टिकी पिस्टन दोनों तरफ ऐसे लगा देना है, और फिर आपको यहाँ पर बीच वाले ब्लॉक में लगा देना है स्टीयर, तो आप देख पा रहे हो ऐसे लगाना है स्टीयर, और फिर उसके पीछे आपको लगाना है यहाँ पर लीवर। तो लीवर लगाने के बाद आपको यहाँ पर लेना है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर यहाँ पर आपको प्लेस करना है इस पिस्टन के ऊपर ऐसे, और ऐसे ये क्या नहीं गाइस मैंने गलत प्लेस कर दिया था, यहाँ पर आपको उस तरफ से करना है। तो गाइस यहाँ पर हमें करना है 2 ऑब्जर्वर ऐसे प्लेस, जिसका मुँह उस तरफ होना चाहिए, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरफ दोनों का मुँह है। और फिर हमें यहाँ पर लेने 2 ब्लॉक, मतलब वही वुड प्लैंक्स लेने, और फिर यहाँ पर इसके आगे 2 लगा देने, और उसके ऊपर हमें फिर से लगाना है ऑब्जर्वर, जिसका मुँह उस साइड होना चाहिए, और फिर उसके आगे लगाना है हमें डिस्पेंसर। तो ऐसे 2 डिस्पेंसर लगाने के बाद फिर हमारा TikTok एक बन के रेडी हो चुका है, और अभी हमें बस इसके अंदर डालने हैं फायर चार्ज और एरोस। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इस डिस्पेंसर के अंदर डाल देता हूँ फायर चार्ज और एरोस। तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़े फायर चार्ज और एरोस डालने वाला हूँ, कि मुझे लगता है इसकी मदद से मेरा गेम क्रैश भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं इसमें भी 1-2 ब्लॉक डाल देता हूँ, और यहाँ पर 1-2 ब्लॉक एरोस के। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा TikTok एक्स बन के रेडी हो चुका है, और अभी बारी है इसको एक्टिवेट करने की। तो गाइस यहाँ पर मैं जैसे इस लीवर को ऑन करूँगा और हमारा TikTok एक्स रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। और गाइस अभी आप देखो ये पूरा आग का गोला कहाँ तक जा रहा है आप देखो। तो गाइस ये तो दुश्मनों से लड़ने के लिए एकदम अच्छा ही मस्त है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये आग का गोला कितना दूर जा रहा है, मतलब फायर चार्ज। तो आप देखो तो गाइस मैं इसका कितना पीछा कर रहा हूँ, और वो जा ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर अभी तक तो ये जा रहा है, तो गाइस ये तो बहुत दूर जा रहा है। तो चलो छोड़ो गाइस इसको, वरना मैं यहाँ पर भटक जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं फिर से हमारे TikTok एक्स के पास। ऑलराइट गाइस तो अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर हमारे TikTok एक्स के पास आ चुके हैं, और अभी आप देख पा रहे हैं मेरा गेम कितना गंदा लैग हो रहा है। तो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ पर कम एरोस डाले थे, फिर भी लैग हो रहा है, आप देखो कितना ख़तरनाक लैग हो रहा है, और अभी मुझे लगता है और थोड़ी देर में तो ये पूरा क्रैश ही हो जाएगा। तो गाइस उससे पहले ये क्रैश हो मैं इसको यहाँ पर फटाफट से बंद करने की कोशिश करता हूँ। अबे यहाँ पर एक बंद हो जा, ओके हो गया। अबे यहाँ पर मैंने फिर से चालू कर दी, ओके गाइस तो अभी यहाँ पर भी बंद हो चुका है, और अभी तक मेरा गेम सही नहीं हुआ, अभी लैग मार रहा है आप देख पा रहे हो। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर ठीक होने दे रहा हूँ, मतलब गेम जो लैग कर रहा है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस तो अभी यहाँ पर मेरा थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी आप देख पा रहे हो थोड़ा गेम नॉर्मल हो चुका है, और अभी आप देखो उन फायर चार्ज की मदद से यहाँ पर आग भी लग चुकी है, और यहाँ पर कितनी दूर जाकर गिरे पता नहीं, और यहाँ पर एरोस देखो, एरोस तो यहीं पर है पर फायर चार्ज बहुत दूर गए, तो एरोस भी आप देख पा रहे हो कितनी सारी यहाँ पर पड़ी है।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा टिकटॉक हैक्स। तो इसको यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा एक्टिवेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक इसके अंदर से फायर चार्ज और एरोस निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हो। तो गाइस इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, वरना यहाँ पर फिर से मेरा गेम लैग हो जाएगा। तो चले गए इसी के साथ इस वीडियो में, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको इन दोनों हैक में से कौन सा हैक अच्छा लगा। तो चले गए, तब तक के लिए बाय बाय। It's right, right, right.